दोनों माँ बेटी का तबीयत खराब है, ना उठ पा रही है, ना खा पा रही है, ना चल पा रही है। और ये बेचारी जब से इसको रो जैसे ही दूध पिलाती हूँ ना, देखो अभी भी हिटकी इसका शुरू हो गया है। हिटकी आना हाँ इसका जरूरी है। अरे ये देखो कैसे एंगल चेंज ये करती दूध है। पी लेती है, उसके बाद घूम जाती है, बोलती मम्मी अब हो गया मेरा, अब हमको खेलने दीजिए। और सोती नहीं है दूध पी के, देखिए आँख खोल के ही रहती है। दोनों का तबीयत खराब, तो तबीयत दोनों का नहीं, मतलब दीदी की तबीयत खराब था इसीलिए बाबू को नहीं लेके घूम पा रही थी। अभी थोड़ा सा रिलैक्स लगा तो अभी अभी उठ के बाबू को लेके घूम रहे। यार ये तो सो गई बाबू, सो रही आराम से। हो तो इसको उठाएंगे, इसका मालिश होगा। माँ उसी लीजिए मालिक, खाके मालिश खत्म नहीं कीजिए, है। आपका तबीयत खराब है। अरे ये ऑलिस का अजब है खुशबू है, तो ये मालिश का खुशबू ही रहता है। अरे अजब वाली ये वाला अलग है, तुम तो कौन वाला अलग नहीं तो ये रहता शायद है। दूसरा हॉर्लिक्स है, मदर हॉर्लिक्स होगा शायद। डो रानी को उनकी मासी है सरस्वती मासी कहाँ गई। उधर सही हुई है अरे कटिया पे। अरे 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 तैयार कर दिए, टीका वीका लगा के, मालिश वालिश करके। जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों अभी मैं भी फ्रेश हो गई और अभी हमारी लाडो की भी मालिश वगैरह हो गई है। और इधर से हमारी लाडो आराम कर रही है। अभी इसको मालिश वगैरह हो गए, ऊपर से इसको दूध पिला दिए, तो एकदम बेचारी बोले कि चलो अब थोड़ा आराम मिल गया शरीर में तो सो लेते हैं। और जैसे इसकी मालिश हो जाती है ना, इसके पूरा बॉडी में आराम मिल जाता है। उसके बाद हमारी लाडो रानी कम से कम 1 घंटा सोएगी आराम से, तब ये नो टेंशन में सो रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल हमारी अंजलि शॉपिंग करके आई है और ये सारा जो बेडशीट वगैरह देख रहे हैं ना, ये अभी चेंज की, नया लेके आई, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद छोटा था तो कहीं ना कहीं पलंग में वो सिकुड़ जाता था वो बेडशीट सब, तो ये और बड़ा है, डबल का डबल जो बोलते हैं ना बेड, उस टाइप का ये बेडशीट, तो ये अभी ठीक है, सिकुड़ता उकुड़ता कुछ भी नहीं। और दोस्तों और एक बात बोलूँ, हमारे जो अंश बाबू है, अंश बाबू के लिए कान्हा जी का भी ड्रेस लाई है, बहुत अच्छा अच्छा चुन के लाई है और उनको कान्हा भी बनाएगी। मैं ही बोली थी कि बाबू को कान्हा नहीं बनाएगी क्या, तो उससे पहले वो लोग के दिमाग में चल रहा था कि जन्माष्टमी जब आएंगे तो बाबू को कान्हा बनाएंगे, और वो है ही हमारे कान्हा, तो वो चीज़ भी मैं देखने के लिए तरस रही कि कब उनको कान्हा बनाएंगे और कान्हा के रूप में मैं देखूंगी। इनको कुछ बना सकती क्या ऐसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इनको क्या बनाऊं। जोहार, राम राम। मी सावित्री और गणेश सावित्री की जोड़ी या चैनल माझे आपले स्वागत आहे। इकडे माझी मुलगी लाडो झोपलेली आहे और मैं कोशिश कर रही हूँ मराठी बोलने की, और हमारी इधर लाडो रानी सो रही है। उठ जा बेटा। तो कैसा लगा दोस्तों, मैं मराठी बोल रही हूँ, प्लीज मेरे गणेश जी बोले हैं कि मराठी बोलने सीखिए आप, जब आपका महाराष्ट्र में शादी हुआ है तो थोड़ा बहुत आप लोग को मराठी आनी चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। ये ले सकते हैं अभी रोल ले बाबू। हमको छोड़ के उसको खिला रहा है, बोलेगा नहीं उसके सामने, तो दूसरा किसी को खिलाएगा तो छोड़ेगा उनका हाजी नाइन दौरत गोल्डन पेटा। इसका बदमाशी छोड़ दो, इसके साथ ज्यादा बदमाशी मत करो, नहीं तो बस तुम्हारा भी ये की ना, जो भगनी है उसको हम अपने पास रख लेते हैं। लखी दी हाँ, नहीं ऐसे की बोल रहे, पता है बोल रहा है कि दीदी संभाल नहीं पाती है, तो बोल रहा हम ही तो संभालते हैं, तो बोल ठीक है तब हम ही अपने पास ही रख लेते हैं इसको, है समीर को अपने साथ ही रख ले, अतुल इसको अपने साथ रख ले। तो सुनो बाबू, यदि परमिशन देगा ना एक त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी जी हमेशा के लिए नहीं ले लूंगी,
नहीं नहीं दोस्तों, अगर पूरे फैमिली साथ होना तो क्या बोले, किसी भी चीज़ में मज़ा अलग ही आता है। तो ये देख सकते हैं सब हम लोग बाबू को हंसाने के लिए पीछे से हंसा रहे थे, और इधर बाबू और अंजलि एक साथ लिपसिंग, मतलब अंजलि लिपसिंग कर रही थी बाबू के साथ। तो कितना अच्छा लगता है कि हाँ है हमारी फैमिली एक साथ, कोई भी काम में रहे डट के खड़े रहते हैं। खास करके पापा बहुत साथ देते हैं हम लोगों का। हमारे राजा बेटा को दे सकते हैं ना रे? क्या पी रहा है? पूरा मुंह तो सादा सादा कर लिया। माखन माखन जोर। अरे बाप रे, जैसे दूध पिया तो उछलना शुरू, तब से एनर्जी बेचारे का लॉस था। चार्ज बोले, चार्ज हाँ हाँ पियो पियो। ओ एनर्जी आ गया, एनर्जी एनर्जी उसी में बेचारा का सब खेलते जा रहा है। एनर्जी आ गया, खुल गया ले। अले 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 अले, सब पी जाएगा ये धीरे 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 धीरे। अभी मत पिला, रुको रुको रुको। हाँ फिर हाँ, अब शांत हो, अब पिला। देखो एक घूट ले रहा है, फिर एनर्जी आ रहा है, फिर बेचारा कूद रहा है। वाह वाह वाह, वारे वारे वारे, अरे 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 अरे। पहली बार हमारे ऐसे कभी झगड़ा नहीं हुआ है बहनों में, कभी नहीं, कोई भी बहन से नहीं, चाहे वो पीठ पीछे कुछ भी बोले, लेकिन हमारे झगड़ा कभी नहीं हुआ है। फेस टू फेस तो कभी भी नहीं, ऐसे भी नहीं होती है। तो आज लक्की दीदी से थोड़ी सी मेरी नोकझोंक हो गई। क्यों हुई मैं आपको बता दूँ। आपको पता है कि बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप का हमेशा बड़ी लाडली या लाडला होता है, बहुत दुलारा। और कितने भी बच्चे हो, उनका जो मोह होता है वो अलग होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हमारी शादी फिक्स हुई थी तो मैं गणेश जी से बात की थी कि गणेश जी मैं एक बच्चा को यहाँ से लेके जाऊंगी और वो बच्चा वहीं पढ़ेगा, आप रिक्शा ले पाओगे? तो गणेश जी ने कहा ठीक है, लेके आइएगा, एक बच्चा हम लोग यहीं पढ़ाएंगे। और वो मैं समीर को सोची थी, बोले एक बच्चा भी अगर यहाँ से जाए तो थोड़ा सा भाई का जो होता है थोड़ा सा हेडेक कम हो। तो उसने कहा था ठीक है आप लेके आइएगा। तो डिसाइड हुआ था कि समीर को मैं वहीं पढ़ाऊँगी और वहीं रखूँगी, क्योंकि यूट्यूब में तब मैं कमाने लगी थी थोड़ा थोड़ी। तो बोला ठीक है आप लेके आइएगा। फिर मैंने ये भी कहा अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो मैं अपने से उनको पढ़ा लूँगी लेकिन वहाँ रखूँगी। तो बोले वो ठीक है, आप उसके बारे में मत सोचिए, मैं खुद सपोर्ट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो इस तरह से हमारी बातें हुई थी। लेकिन जब जैसे जैसे शादी नजर, हाँ पहले मुझे वो भी नहीं पता था कि मेरे दो भांजी है, पहले मुझे एक ही भांजी गणेश जी बोले थे। मैं ज़्यादा पूछी भी नहीं थी शायद, इसीलिए वो एक ही बोले थे या फिर मैंने फोर्स नहीं किया था। तो बाद में मुझे पता चला कि मेरे दो भांजी है ऐसे करके। फिर हाँ उसके बाद समीर का बात हुआ। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आई, डेट नज़दीक आने लगा, तो फिर गणेश जी ऐसे तो सब कुछ हम लोग देख चुके थे कैसा है क्या नहीं है, लेकिन इतना मेंटल है वो नहीं पता था कि मेरी छोटी ननद थोड़ी ज़्यादा ही मेंटल है। तो फिर जब वार्तालाप हुई तो गणेश जी बोले कि ठीक है आप सोच लीजिए, यहाँ लाओगे तो आप एक काम कीजिए ना, ऐसे मैं बोली कि डायरेक्ट मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगी, जब मैं आऊँगी तो मेरे साथ ही वो आएगा और फिर जाएगा। फिर गणेश जी बोले एक काम कीजिए, पहले आप शादी होके आ लीजिए, उसके बाद देखते हैं ना, फिर लाएंगे समीर को। उसका कहने का मतलब है कि आप आके यहाँ माहौल में रह लीजिए, फिर बच्चे को लाइएगा। तो जब मैं शादी होके गई, धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऐसी हालत में है मेरी छोटी ननद। खास करके बच्चे के दिमाग में असर हो जाता है छोटी छोटी बातें, वो हमारी जैसी रहती नहीं है। तो फिर मैं और कुछ बोलने का मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं क्या बोलूँगी, कौन बच्चे को मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि बच्चे लोगों के सामने ऐसे कोई अभी तक इतने बड़े लोग रहे नहीं हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मैं ही चुप हो गई और फिर उस बात को जाने ली। और फिर मैं सोची कि जितना हो सके मैं वहीं से सपोर्ट करूँगी अगर सकूँगी तो। लेकिन दोस्तों अभी मैं बता दूँ, अभी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर बन रहा है सबसे बड़ा, मेरा अभी जो लक्ष्य बोल सकते हो, मिशन बोल सकते हो, वो हमारे घर पर ही है। बस थोड़ा थोड़ी जो होता है सो होता है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कर पाती। तो वही दीदी बोल रही है कि
वो हंसते हंसते ही बोली कि एक काम करो ना, तुम लाडो को दे दो और समीर को ले जाओ, और जब ये बड़ी हो जाएगी तो तुम इनको ले जाना, लाडो को और समीर को, फिर वो भी तब तो उधर पढ़ लिख लेगा, यहाँ तुमको टेंशन है कि समीर पढ़ नहीं रहा है, तुम्हारे आँखों के सामने रहेगा तो वो पढ़ेगा। मैं बोली पहले जमाई से बात करो, वो क्या बोलेंगे उसके बाद, वो तो एक मिनट भी छोड़ने वाले नहीं, अभी बेचारे मजबूर है इसीलिए वो गए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को अकेले संभाल नहीं सकते, और यहाँ पर है कि पूरे परिवार है, दोनों दीदी है, अंजलि है, तो लोग कैसे भी करके देख लेते हैं, आप तो देखे ही होंगे वीडियो में। मेरे साथ नहीं, अंजलि के साथ भी ऐसे ही केयर किया है, मेरे साथ भी ऐसे ही केयर कर रहे सभी दीदी लोग, तो फिर और अभी तो अंजलि और एक आ गई है, सच में उसमें बहुत मैनर है, छोटी हो सकती है लेकिन मैनर बहुत है उसमें, मतलब आप लोग बोलिएगा ऐसे, लेकिन नहीं सच में ये जो ऐसा प्यार के लिए लोग तरसते हैं कि ऐसी भाभी हो, ऐसे ननद हो, लेकिन मेरी दीदी भी वैसी मिली और कहीं ना कहीं भाभी भी वैसी मिली है, मेरी से छोटी लेकिन बहुत अच्छी हो, और भाई के बारे में तो आपको पता ही है, लोग कुछ भी कहे लेकिन जब उनसे लोग मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, तब पता चलता है कि भाई कैसा है। तो कुछ इस तरह से थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है, वो ठीक हो जाएगी, और मतलब मैं मेरी आँख में थोड़ी से आंसू आ गए, क्योंकि होता है ना कि पति का बात भी मानना है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं बोले, और पहले हंसी नहीं, पहले बहुत ही एकदम ये करके बोली, तो फिर उसके बाद स्माइल करने लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।